ऐसी कौन सी टॉप थ्री चीज़ें हैं जो हमारी गट हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है और जो लोगों को शायद लगती है कि पॉजिटिव है बट एक्चुअली नेगेटिव है दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिहा हाँ बार क्या होता है कि एक्चुअली एज एनी दस अ कैबियर टू दिस इट्स लाइक सेम कि एवरीबडी फूड इज नॉट लाइक यू नो इट्स वन फूड वन पर्सन फूड कैन बी अनादर पर्सन पॉइजन करेक्ट वही yeah. बात पे चले जाते हैं की बिकॉज सफ की गट माइक्रोबाम इतनी है, yeah. है, सबका एक ही खाने सेम रिएक्शन होना इज नॉट पॉसिबल सो इफ कमिंग बैक अबाउट दिस इज बी सेव डिफरेंट कासेज जिसपे हम काम करते हैं मान लो किसी को एकदम सिवियर एसिडिटी है, mm. है। को एक कंडीशन है जनरली उनके सिम्टम्स रहते हैं की उनको बहुत ज्यादा बर्पिंग होता है खाने के बाद गैस तब लोग नॉर्मल सी नहीं लगती रियक्ट कर जाते हैं दिस इज नॉर्मली वेयर फोर्मेंटेशन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया स्मॉल फॉर्मेंट करती है खाना और इसका ये बायोप्रोडक्ट होता है

बहुत ज्यादा हेल्प लगता है ओके। लॉट ऑफ अपना ही एंजाइम्स एसिड बहुत ज्यादा उसका एक हेल्प या फेसिलिटेशन लगता है फॉर इट के वो काम कर पाए hmm. आप अगर ऐसी कोई भी खाना आप बॉडी को दे दो hmm. पर वो बॉडी अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाए उससे अब्जॉर्बन नहीं कर पाए hmm. तो फिर वो फूड बॉडी के लिए एक्चुअली टॉक्सिन बन जाता जो खाना नहीं कर पाती। करें। तो ये है इट इज़ काफी लोग कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि थिंग्स लाइक सिट्रिक फूड्स लॉट ऑफ थिंग्स पीपल को लगता है कि नहीं विटामिन सी हाई है अच्छा है लॉट ऑफ पीपल कैन है कीवी, जो ज्यादा ही सिप्ट्रिक खाना है लेमन जो से, बहुत ज्यादा लेमन चलो ठीक है पता रहता है पर कई बार लोगों को स्पेशली फ्रूट्स में समझ नहीं आता मैंगो से लोग रिएक्ट कर जाते oh, so हैं इंपॉर्टेंट एक बार वो देखना जरूरी है कि अगर आपको एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ बर्निंग हो रहा है स्टमक में बर्निंग हो रहा है ईसोफेगस में बर्निंग हो रहा है जब अपने ट्रैक में आपको वो खाने के बाद कई बार कुछ भी खाना दो या तीन घंटे के बाद या sometimes वो खाना करने के लिए आज तो भी लग सकते हैं तो आपने actually आज कीवी खा लिया आप वो है कीवी आपको सूट नहीं करता है। आप तो दो, एक या दो दिन बाद सोच रहे मैंने आज क्या खाया hmm. मैंने बाहर नहीं खाया मैंने रात को जंक नहीं खाया मैंने कल ऑर्डर नहीं किया बाहर से तो क्यों हुआ इट कैन गो बैक टू तक का टाइम लग सकता है कोई भी चीज जो आपने खाई है दो तीन दिन पहले कि तब तक सिस्टम में से जब तक वो फुल्ली क्लियर ना हो hmm. उसके बॉडी में रिएक्ट करे कैन इवन थिंक दो दिन पहले खाया हुआ खाने का रिएक्शन आपको दो दिन बाद है दो या तीन दिन बाद भी हो सकता है सो दैट इज वे हमारा फूड इन टॉलरेंस का हम जो जजमेंट करते हैं वो बहुत ही इम्पोटेंट होता है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट कैन रिएक्ट टू अ पर्सन इन विच वे तीसरी बात है एक ग्रुप ऑफ फूड्स को बोलते तो हैं नाइट्रेड ये भी काफी लोग हम लोग बहुत ज्यादा आलू हो गया टमाटर हो गया बैंगन हो गया भिंडी हो गया डे टू डे में कितना खाते हैं कितना खाते हैं हाँ तेरा मल्टीपल पीपल जिनको पता नहीं है वो उनके लिए कितना खराब है क्योंकि उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते करें स्पेशली द सीड्स जो होते हैं wow. आप कभी भी भिंडी के सीड डाइजेस्ट कोई भी ह्यूमन बींग भिंडी के सीड्स डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता

अगर थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो भी तीन दिन का आप डायरी रखो क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो और फैक्चुअली उसके कितने टाइम बाद क्या सिम्टम हुआ हाँ. आप करो बॉडी हैज अ वेरी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि वो हर एक चीज की पैटर्न पिकअप करता है ओके देर इज नथिंग दैट द बॉडी डज नॉट टू इन अ पैटर्न करेक्ट आप अगर एवरी टाइम देखोगे मे बी टू थ्री टाइम्स जब आपने स्पेसिफिकली वो फूड खाया ज्यादा क्वांटिटी में खाया उसके फैमिली में से ही दो तीन चीजें आपने बैक टू बैक खाई तो आप खुद समझने का ट्राई करो कि कोई कोरिलेशन है कि नहीं है कि नहीं कई बार आप जस्ट फैक्ट्स डाउन पे लो डाउन करके नहीं खाया तो को गैस हुआ तो नो कि ये है। क्या ना होता देते ही नहीं है exactly. हम अपने लिए तीन दिन निकाल के डायरी में नहीं लिखते बट आई थिंक अगर आपको ढूंढना है आपको प्रॉब्लम है सो यू कैन एक्चुअली उसमें राइट डाउन हम क्या खा रहे हैं एंड उनकी दो से तीन